भोजपुरी सिनेमा की ताजा तरीन खबरों के लिए बिंदास भोजपुरिया के साथ जुड़े, ये लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाएं और घंटी के निशान पर क्लिक करें। बिंदास भोजपुरिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, मतलब सारी खबरें मुफ्त में पाएं। विवादों के दौर से गुजर जी, आपकी ही फिल्म दुनिया की अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने पवन सिंह पर बड़े संगीन आरोप लगाए हैं। मनोज सिंह टाइगर को क्या लगता है, कौन सही है, कौन गलत है? देखिए, मैं इसमें बहुत निष्पक्ष अपनी राय रखना चाहूँगा। हमारी भोजपुरी सिनेमा के एक अभिन्न अंग पवन सिंह हैं। भोजपुरी सिनेमा का जो एक परिवार है, उस परिवार का एक प्रमुख सदस्य अक्षरा भी है। इन सबका योगदान है भोजपुरी सिनेमा में। ये हमारे स्टार हैं, कहीं ना कहीं इनके नाम के आगे स्टार आता है। दुनिया इनको जानती है, इनको फॉलो करती है, इनके फेसबुक पेज पर इनको फॉलो करती है, इंस्टाग्राम पे इनको फॉलो करती है, इनके वीडियोस देखती है। तो मैं इनको सिर्फ एक बात का सलाह देना चाहूँगा, कौन सही है कौन गलत है इसके चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि ये स्टार हैं, ये सेलिब्रिटी हैं। हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री खुद अभी स्ट्रगल कर रही है। हम लोग उसके वो ट्रस्टी हैं जो इस गाड़ी को खींचकर आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो हम झगड़ने की पोजीशन में है ही नहीं। अगर अभी हम मंजिल तक पहुंचने से पहले झगड़ा करना शुरू कर दें तो अच्छी बात नहीं होगी। हर घर में बर्तन खटकते हैं, बातचीत होती है, लेकिन बहादुरी वो होती है कि घर की बात घर के अंदर ही सॉल्व कर ली जाए, बाहर ना जाए। कुछ बिगड़ा नहीं है। पवन सिंह जी भी बहुत समझदार हैं, बहुत बेहतरीन अभिनेता हैं, और अक्षरा जी भी बहुत बेहतरीन अभिनेत्री हैं, उनके साथ मैंने काम किया है। ये दोनों लोग बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। और मैं उन तमाम अभिनेताओं से भी कहना चाहता हूँ जो पोल खोल इंटरनेशनल पोल में लगे पड़े हैं, इनका उनसे था, उनके उनसे था, उनसे कचरा मत फैलाइए, गंध मत फैलाइए। किसका था, क्या था, क्या था, संवाददाता मत बनिए। अपनी भोजपुरी की चिंता करिए, दोनों लोगों को समझाइए। और दोनों लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पवन को बहुत प्यार करता हूँ, पवन जी मेरे भगना तुल्य हैं, मैंने उनके साथ बहुत अच्छा सिनेमा दिया है, बहुत प्यार किया है उनको, आज भी प्यार करता हूँ, उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ बैठ करके चुपचाप एक मामले को सॉल्व कर लिया जाए, वरना आग में घी डालने वालों की कमी नहीं। और अक्षरा जी से भी यही कहूँगा, कुछ नहीं रखा है इसमें, करियर पर ध्यान दीजिए, इन सब फालतू बात से निकल करके इस मामले को यहीं ख़त्म कर दीजिए। लेकिन मनोज भैया, एक लड़की जो कि कई साल तक रिश्ते में रही, जिसने खुद भी एक्सेप्ट किया इस बात को कैमरे पे, आज उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, इसीलिए तो बोल रही है, आज तक तो बोल नहीं रही थी। आप लोग इस बात को सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं कि एक महिला ने इतनी हिम्मत जताई, इतनी हिम्मत दिखाई कि उस जुर्म के खिलाफ खड़ी? मामला इतना गंभीर नहीं है जितना हम लोग उसको बना रहे हैं। ये कश्मीर का मुद्दा नहीं है, इसको ये किया जा रहा है, उसको गोली चला जा रहा है, AK-47 लेके खड़ा हुआ, कौन खड़ा हुआ है? कुछ खड़ा नहीं हुआ है। ये सिर्फ समझदारी की बात है, बात यहाँ सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट की है, सेल्फ अपनी ईगो को संतुष्ट करने की है। मुझे पता है, एक बार कोई एक आदमी जाए, दोनों को सामने बैठ के बात करा दे या फ़ोन बात करा दे, मिनटों में सारा खेल ख़त्म हो जाएगा, एक सेकंड में सारा खेल ख़त्म हो जाएगा। अगर उन्होंने गुस्से में कुछ कहा, उन्होंने गुस्से में कुछ कहा, मिट्टी डालिए, ख़त्म हो गई बात। बोला ही होगा ना, चलो मैंने कहा, बोली तो मैं भी किसी को बोल देता हूँ गुस्से में, तुमको देख लूँगा मैं, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूँगा, तुम्हारे तो करियर ख़त्म कर दूँगा, उसके बाद एक ही शब्द है सॉरी, ख़त्म, कहानी, सारी बातें पुरानी हो जाती हैं। इसमें क्या जाता है, इस मैटर को अगर बोलने से ही, गोली तो नहीं चली है ना, कत्ल तो नहीं हुआ है ना, सिर्फ बात ही चीत हुई, संवाद हुआ है, संवाद को ख़त्म करके चीज़ों को अपने अपने, नहीं बात करें आपसे, नहीं आपस में काम करें, चलेगा। इंडस्ट्री है, सब किसी के बगैर किसी का काम नहीं रुकता है, लेकिन इन सब चीज़ों से बचने का एक ही तरीका है, इसको अवॉइड करें बस। आपने कहा कि कोई ऐसा आए जो बीच में बैठ के मध्यस्थता करे और दोनों की बातचीत करा दे, मामला इसी तरह से रफा दफा हो जाएगा। मैंने बहुत लोगों से बात की, कोई नहीं तैयार हो रहा है, आप तैयार हो जाइए, आप बातचीत करा दीजिए। बिल्कुल तैयार हो जाऊंगा, अभी मैं देख ही रहा हूँ, बातचीत होता है, देखता हूँ, नहीं तो बीच में मैं भी जाऊँगा, क्यों नहीं जाऊँगा, दोनों हमारे प्यारे हैं, दोनों के साथ काम करता हूँ, वो भी हमारी बच्ची है, वो भी हमारा बच्चा है, वो भी हमारे छोटे हैं, वो भी हमारे छोटे हैं,
हमको कौन सा, हम परिवार मानते हैं, परिवार के सदस्य बिल्कुल करेंगे, अगर ऐसा होगा तो जाएंगे एक दिन और दोनों को बैठेंगे, दोनों को कान पकड़ेंगे, बोलेंगे क्या बकवास कर रहे हो, चलो लौटो, तुम चलो, तुम चलो, तुम चलो, खत्म कहानी हो जाएगी, देख लीजिएगा। एकदम खत्म हो जाएगा, सॉरी बोलेंगे, सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। ये अच्छा लगेगा कि पवन जी को पुलिस पकड़ के ले जाए और जाके थाने में बिठाए, या अक्षरा बेइज्जत हो, या अक्षरा के दामन पे लोग दाग लगाएं, तरह तरह की बातें करें। लड़की है हमारी, भोजपुरी इंडस्ट्री की शान है, तो दोनों को हमको बचाना है ना, दोनों को चीज़ें खत्म करनी। अगर कहीं से कीचड़ उछड़ा है तो हम लोग उसको एशियन पेंट लगा के साफ कर देंगे। अरे हमने कहा गलत किया भी है तो सॉरी भी तो होता है कुछ। गलत क्या किया, मर्डर तो नहीं किया है ना, कत्ल तो नहीं किया है। मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि दोनों इंडस्ट्री के अभिन्न अंग हैं। और हो, मैं ये नहीं कहता कि अक्षरा गलत है, ठीक है वो लड़की है, अगर उसको किसी तरीके से प्रताड़ना मिली है, अगर वो थाने गई होगी तो डेफिनेटली उसको किसी ने तंग किया होगा, कुछ तो बात हुई होगी। लेकिन हस्बैंड वाइफ में बाप बेटे तक का केस थाने जाता है भाई। सिंघानिया के बाप, सिंघानिया के बेटे ने सिंघानिया को दरबदर कर दिया, तो वो भी थाने गए थे, लेकिन आज खत्म हो गया मामला, साथ में रह रहे हैं ना। होता है यार, ये कौन सी बड़ी बात है, थाना पुलिस केस वो भी तो होता ही रहता है, पहुंच गया केस थाने, पहुंच गया वापस भी तो आ सकता है। इसका क्या मतलब हो, एक बार थाने पहुंच गया तो अब नहीं लौटेगा, अब वो अब चलता रहेगा जीवन भर केस। जैसा आपने कहा कि बहुत बड़ी बात नहीं है, अक्षरा सिंह ने अपने इंटरव्यू में आरोप लगाए हैं कि शादी के बाद भी उसी तरह का रिश्ता पवन सिंह अक्षरा सिंह के साथ रखना चाहते थे जैसा शादी के पहले था, आपको ये छोटी बात लगती है मनोज टाइगर जी? देखिए मैं इन सब चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहता, ये बहुत उनका व्यक्तिगत मामला है, और मुझे लगता है ये व्यक्तिगत चीज़ जो है, जिस चीज़ के बारे में मुझे मालूमात नहीं है, मैं उसमें बोलना नहीं चाहता। और आदमी का क्रोध जब ऊपर आता है ना, तो बीता हुआ, आगे वाला, पीछे वाला सब निकालता है, ये तो बात तो ख़त्म हुई हो गई होती है। हमारे इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप होते हैं, एक साथ शादी होती होती टूट जाती है, फिर उसकी किसी और से हो जाती है, और फिर दोनों एक स्टेज पे बैठ के बातचीत भी करते हैं। सिर्फ 1000 एग्जाम्पल हैं, आप पत्रकार हैं, आपको पता है, हमारे हिंदी के बहुत सारे स्टार हैं जो हस्बैंड वाइफ की तरह रहते थे एक घर में, सालों बिताया, आज वो दूसरे अपने हस्बैंड के साथ हैं, अपनी वाइफ के साथ हैं, एक ही स्टेज दोनों गले मिलते हैं। क्या क्या नहीं हुआ होगा उनके बीच में, क्या इतने आसानी से अलग हुए होंगे? मुश्किल तो रहा होगा। मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल रहा होगा। जब रिलेशन टूटता है तो आपको क्या लगता है, आसानी से टूटता है, चलो आज से आप अलग मैं अलग? नहीं जी, झगड़े होते हैं, मारपीट होता है, कॉलर पकड़ते हैं, थप्पड़ मारते हैं, गाली देते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वक्त हर जख्म का मरहम होता है। वक्त पर छोड़िए, किसने क्या कहा, अक्षरा ने भी, अक्षरा आज तक तो नहीं बोली, अभी इसलिए बोली कि थोड़ी प्रेशर में है बेचारी, गुस्से में है, तो जब क्रोध आता है तो आगा पीछा सब निकलता है। ऐसे में मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं विपिन भैया को जानता हूँ, मैं नीलिमा जी को जानता हूँ, बहुत अच्छे माँ बाप हैं वो लोग, बहुत उन लोगों ने परिवार को बहुत अच्छे से संभाला है, और वो लोग 100% अपनी बच्ची को संभाल रहे होंगे, और मेरे को भी थोड़ा अभी शूटिंग से वक्त मिले तो मैं जाऊँगा उस परिवार में मिलने के लिए। और मेरे को तो सिर्फ इतना, मैं इतना चाहता हूँ कि अक्षरा एक ज़िम्मेदार लड़की है, एक बड़ी स्टार है, मैं ये भी नहीं चाहूँगा कि अक्षरा को कोई दबाए, और मैं ये भी नहीं चाहूँगा कि पवन को लोग गुमराह करें। अब कहाँ से क्या हो रहा है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है, क्योंकि पवन भी समझदार इंसान है, उसको भी समझ में आ रही होगी बातें, और थोड़ा आप लोग भी सपोर्ट कर दीजिए, आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट कर देंगे तो ये जो फालतू बातें हो रही हैं होना बंद हो जाएंगी। बहुत सारे लोग बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं अपनी पब्लिसिटी लेके, खूब गंगा में हाथ धो रहे हैं, उसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने कहा, देख रहा हूँ ना, सबके इंटरव्यू सुन रहा हूँ, इन सब चीज़ों में पढ़ने वाली बात नहीं है। उन लोगों को भी समझा रहा हूँ, मत पढ़िए इन सब चीज़ों में, बचाइए अपने परिवार को, आपका परिवार है, आपकी इंडस्ट्री है, सब आपके प्यारे हैं, सारे आपके साथ रहने हैं, इस इंडस्ट्री को आगे ले जाना है, बिल्कुल नहीं।